हेलो एवरीवान सेल्फ संदीप बिस्मिल चार्टेड अकाउंटेंट कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए हम लोग किसी वीडियो को ऐसा मुद्दा भी नहीं था डिस्कस करने लायक तो ये एक छोटा सा वीडियो है इसको देखना ज़रूर आप एक बार जब भी आपको टाइम हो पूरा एंड तक देखना इसके अंदर मैंने शॉर्ट एंड स्वीट जितनी बातें किए सारी आपके लिए काम की है क्विकली मैं इसको कवर करूंगा लेकिन एक एक बात आपके काम की है अगर आपने कोर्सेज ले रखें अपने ऐप के ऊपर तो भी अगर नहीं भी ले रखें तो भी सुनना ज़रूर ध्यान से सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए एग्ज़ाम को तो ये मेरा थाट है कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम होता है इतने दिन बाद तो मैं किस तरीके से इसको लेके चलता सबसे पहली चीज़ तो एग्ज़ाम की डेट अभी तक अपने पास है नहीं लेकिन आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि अभी तक कोई डेट अनाउंस हुई नहीं है तो महीना भर तो मिनिमम है ही थर्टी डेज तो है ही किसी भी हालत में मतलब इससे तो ज़्यादा ही मिलेगा ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो आप जिस भी स्टेज में है अपनी तैयारी के आप हमेशा दोनों पार्ट को साथ में लेके चलिए पार्ट ए और पार्ट बी को पैरल मतलब ऐसा मत करना कि पहले पार्ट ए कर लूँ फिर पार्ट बी कर लूँ ये बहुत बड़ी भूल होगी आपको हमेशा दोनों पार्ट को साथ में लेके चलना है पार्ट ए ज़रूर 120 नंबर का है ज़्यादा लेकिन पार्ट बी भी कम नहीं है 80 मार्क्स का है तो ये भी अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है दूसरी चीज़ पार्ट ए के अंदर अगर आप सब्जेक्ट देखते हो तो पांच सब्जेक्ट है अपने पास जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट्स है अपना एफ एम है कॉस्ट है टैक्स है और कौन सा बचा ऑडिट बचा ये पांच सब्जे सब्जेक्ट हैं और पार्ट बी के अंदर अपना रीजनिंग है मैथ्स है हिंदी है और इंग्लिश है ठीक है फिर राजस्थान जी के है और फिर बाकी इंडिया लेवल का जो जी के है वो है अब देखिए पार्ट ए के अंदर ये बातें आपको पता होगी देखिए दो मिनट का टाइम लूँगा मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ बातों को सबसे ज़्यादा वेटेज देखिए आप असेसमेंट कीजिए किस चीज़ के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर सबसे लेंथी है मेरे हिसाब से अकाउंट्स क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है तो सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है अकाउंट्स रखता है ऑब्वियसली सेलेबस इसका बहुत बड़ा है तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपका जो अकाउंट्स है वो क्या होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए जैसे ही आप अकाउंट्स करोगे आपका थर्टी फोर्टी परसेंट सेलेबस पार्ट ए का कंप्लीट हो जाएगा अब अकाउंट्स भी जब आप कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना है क्या आपको एक अपने नोटबुक के अंदर एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको टॉपिक के नाम लिखने हैं सबसे पहले सलेबस में आप क्या क्या पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपके पास रिटर्न होनी चाहिए एकदम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हो सकता है आपके पास किताब में ही लिखे वो टॉपिक के नाम लेकिन आप हाथ से लिखिए उनको एक बार कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिर बैंक रिकंसिल जो जो टॉपिक है जो भी आपके ए एस है फिर उसके बाद कॉरपोरेट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर है फोर फीचर है डिबेंचर है रिडम्सन बाय बैक बोनस जितने सेक्शन है जितने प्रोविजन है जितनी एंट्रीज है अकाउंटिंग है सारी चीज़ें आप एक लिस्ट बना के रख दीजिए अपने पास और फिर आप सिस्टमेटिकली शुरू कीजिए पढ़ना कि इनमें से जो जो टॉपिक होते जाए उनको टिक करते जाइए और पढ़ना किस तरीके से है तो देखिए आपने जो अपने कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए हैं सबसे पहली चीज़ आपको ये माननी होगी कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो तो क्लासेस या जो वीडियो लेक्चर्स है वो सिर्फ उसी सूरत में आपको यूज़ करने जब आपको वहाँ ज़रूरत पड़े उसकी ज़रूरत आपको पड़े तब जैसे अकाउंटिंग है आपको लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी है कोई टॉपिक या पूरा ही लेंदी लग रहा है या बहुत टाइम हो गया तो आप क्लासेस का सहारा ले सकते हो कि एक बार लेक्चर देखते हैं लेक्चर के साथ साथ आपकी तैयारी भी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा लेकिन उसमें देखिए फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है जैसे अगर मैं हॉडेट पढ़ाऊँगा तो मुझे जैसा उचित लगेगा मेरी ड्यूटी ये है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना ठीक है तो मैं मेरे वे में पढ़ाऊँगा कोई दूसरी फैकल्टी है वो अपने तरीके से पढ़ाएगी उनको लगता है नहीं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, है तो वो और ज़्यादा लेंदी हो सकता है तो वो डिपेंड करता है आप उसके आधार पर जज ना करें तो पहली चीज़ आपके पास सिलेबस कंप्लीट जो है जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो अभी वर्तमान के अंदर अगर एफएम पढ़ रहे हो तो एफएम के जो जो टॉपिक है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए पहले फिर आप सिस्टमेटिकली कवर करना शुरू कीजिए दूसरी चीज़ जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मान लो अभी एफ पढ़ रहे हो आप ये आपने टॉपिक लिख दिए लिस्ट अब फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा मान लो रेशियो एनालिसिस इसके अंदर आपको 20 चीज़ें 10 चीज़ें ऐसी लगी जो आपको याद रखनी चाहिए तो वो पहली बार जब पढ़ता है व्यक्ति तो उसको याद नहीं हो जाती है हमेशा ऐसा होता है कि आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको एग्ज़ाम से पहले तो एक बार देखना ही पड़ता है आप सीधा पढ़ के अभी सीधा एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते तो अभी आप उस पर ज़्यादा एफ़र्ट क्यों लगा रहे हो क्यों उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो कि हमें याद नहीं हो रहा है आप सिंपल जो जो चीज़ें पढ़ रहे हो समझते जाओ प्लस उनको हाईलाइट करते जाओ या अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाओ जो जो इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें मुझे एग्ज़ाम से पहले देखनी है हर टॉपिक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है या तो हाईलाइट कर दो या लिख दीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास दस बीस पेज है कंटेंट है जिसको आपको वापस देखना है एग्जाम से एक वीक पहले इनको रिविजन शुरू कर देना दूसरी चीज़ ये सब मैं स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको यूज़ करना चाहिए कुछ भी इम्पॉसिबल कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ लिखने से ये होगा कि आप क्या करते हो सिर्फ पढ़ते जाते हो सिर्फ पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो जब मूड बना आपने मॉक टेस्ट दे दिया जब मूड बना आपने एम कर दिए अचानक से कुछ गलत हुए आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है एक दिन यूँ ही चला गया टेंशन में तो इस तरीके से आप मत कीजिए आपको पहले सेलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है मॉक टेस्ट एम सब बाद की चीज़ें पहले आप अपना सेलेबस कंप्लीट कीजिए क्योंकि आप ये करोगे उसकी बजाय एक नया टॉपिक पढ़ोगे तो हो सकता है तो उसमें से दो नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए जबकि यहाँ करने से आपका उल्टा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो ऐसा मत कीजिए आप पहले क्या कीजिए अपना सेलेबस कवर कीजिए और सलेबस कवर किस तरीके से करना है जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले लिस्ट बनाइए फिर उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है जो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है उनको ज़रूर आप मार्क करके रखिए हाईलाइट करके रखिए या लिख के रखिए जो भी आपका तरीका है वो करके रखिए इससे क्या होगा आप पढ़ते जाओगे साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मेरे पास जो जो चीज़ें मुझे याद नहीं हैं वो सारी लिखी हुई है या मार्क की हुई है सिर्फ मुझे इनको वापस देखना है तो दिमाग में हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा तो पार्ट ए में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अपने लेक्चर सारे अवेलेबल है जहाँ आपको हेल्प चाहिए नोट्स सारे अवेलेबल है क्लास नोट्स भी अब अवेलेबल है ये डाउनलोडेबल भी है नोट्स और इनको प्रिंट भी कर सकते हो तो जो भी आपको चाहिए सारा चीज़ अवेलेबल है दूसरा चीज़ एक कई लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब में से पढ़ें क्या ये नोट्स सफिशेंट है या नहीं या उस कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ तो देखिए नोट्स जहाँ के भी होंगे उसके अंदर कंटेंट सेम ही होगा सिर्फ तरीका प्रेजेंटेशन का अलग होगा कोई शॉर्ट में दिखाता है कोई ज़्यादा डिटेल में दिखाता है बाकी कंटेंट सेम होगा चीज़ें वही रहेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉरपोरेट अकाउंटिंग एफ टॉपिक वही रहेंगे तो आपको सिर्फ़ एक सोर्स सेलेक्ट करना है और वो सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर स्टिक रहिए फिर आप दिमाग के अंदर दूसरी चीज़ें देख के भ्रमित मत होइए जैसे एफएम के लिए आपने नोट्स सेलेक्ट कर लिए नोट्स के अंदर आपने देख लिया कि ये सारे टॉपिक मेरे कवर हो गए कोई एक टॉपिक है छोटा सा मान लो वो अच्छे से कवर नहीं हो रहा आपको नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस से कोई दिक्कत नहीं सिर्फ उस टॉपिक के लिए आपको दूसरे सहारा ले लीजिए कुछ किताब से या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से या बीकॉम की किताबों से सिर्फ उसी टॉपिक के लिए इसके लिए आपको पूरी किताब बदलने की ज़रूरत नहीं है ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग क्यों पूरी किताब बदलते ही आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको अपना सोर्स जो है वो एक ही रखना है ओके ये भी कर सकते हो कर सकते हैं नेक्स्ट चीज़ पार्ट बी के लिए देखिए पार्ट बी के लिए मैं आपको वापस से कह रहा हूँ ये जो पार्ट है रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश हिंदी 32 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आप टारगेट करके चलिए इनमें ट्वेंटी प्लस का ईजीली ला सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी समझ के साथ ज़्यादा आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है दूसरा राजस्थान जीके उसके अंदर भी आप दो पार्ट मान लीजिए एक तो स्टैटिक जीके जो फिक्स है एक करंट अफेयर्स दोनों के लिए आप प्लान कीजिए अलग अलग कोई भी देखिए गाइड या इस तरह की जो मार्केट में किताबें अवेलेबल है बड़ी बड़ी जीके की वो ला के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना वो आपसे याद होगी लाइफ में आप पहली बार पढ़ रहे हो उतना समय अगर यहाँ दोगे पार्ट ए के अंदर तो वो ज़्यादा नंबर दिलाएगा तो इन सब की बजाय आप कोई सिंपल छोटी किताब जो आप इजीली कवर कर सकते हो उसमें से भी कुछ चीज़ें जो आप याद रख सकते हो सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना दूसरा आप अच्छे से कर सकते हो करंट अफेयर्स कि आप कोई भी क्रोनोलॉजी या जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन या वेबसाइट एक सेलेक्ट कर लीजिए फिर अलग अलग पे जाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर का भी एक सोर्स सेलेक्ट करके उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कम से कम मैं कहूँगा तीन से पाँच महीने के लास्ट अच्छे से आप बार बार पढ़ें उसको डेली फिक्स कर लो एक घंटा तो आपको करंट अफेयर को देना ही देना है ओके ठीक है फिर इंडिया लेवल जीके के लिए भी सिमिलर आप कोई छोटा सा मिनिमम सोर्स सेलेक्ट कीजिए और उससे पढ़िए बस जो बेसिक बातें हैं जो कवर कर सकते हो बड़ी पुस्तक लाने की ज़रूरत नहीं है ये कुछ गलतियाँ हैं जो आप अगर आप करोगे देखिए आप अगर कोई बड़ी सी पाँच पेज की गाइड ले आए कि बेस्ट से बेस्ट जी के की बुक कौन सी जिसमें है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कवर हो रहा है लेके तो आ गए लेकिन इस पाँच पेज को आपने एक तो पढ़ने में एक महीना लगाया रोज़ दो दो घंटे खराब किए लास्ट में पढ़ने के बाद याद कुछ भी नहीं रहा अब दोबारा रिविज़न भी उसका कर नहीं सकते तो ये किताब में क्यों समय वेस्ट करना इसकी बजाय अगर आप हंड्रेड पेजेस पढ़ते अच्छे से और उनको दो बार रिवाइज़ करते या पांच बार रिवाइज़ करते तो इनमें से जो दस क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप श्योर सही कर पाते मेरी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही है चलिए ये एक बात है दूसरा तो इस तरीके से आपको दोनों साथ में लेके चलना है पार्ट ए और पार्ट बी जो भी करो आपके दिमाग लेकिन जब आप प्लान करके चलते हो ना तो आपको सबसे मेन चीज़ होता है कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा रहता है प्लान करते ही आपके साथ क्या रहता है हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है तो आप सबसे पहला यही काम करें कि आप जब भी जो भी पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में एक रोड मैप होना चाहिए जैसे अगर आप पार्ट बी के अंदर आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अकाउंट्स का तो करंट अफेयर पढ़ रहे हो इधर पार्ट बी के अंदर और पार्ट ए में अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको एक्जैक्टली exactly दिमाग में ध्यान होना चाहिए कि ये अकाउंट्स में और कब तक पढ़ूंगा अगले सात दिन तक पढ़ूंगा उसके अंदर मेरा ये कवर हो जाएगा करंट अफेयर अच्छा मैं रेगुलर पढ़ूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है ये करना है ये करना है ये करना इस पॉइंट पे जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक मैं मॉक टेस्ट दूँगा फिर यहाँ से मैं रिविज़न शुरू करूँगा तो ये दिमाग के अंदर एक रूपरेखा आपके पास हमेशा चलनी चाहिए देखिए प्लान बनते ही इसलिए क्योंकि वो टूट जाते हैं फॉलो नहीं होते आपने अकाउंट सोचा सात दिन में करूँगा लेकिन सात दिन में आधी हुई तो कोई बात नहीं आप दो दिन और दे दीजिए उसके अंदर उसको फटाफट कंप्लीट कीजिए लेकिन जब प्लान होगा तो आपकी आगे की चीज़ें भी प्रभावित होगी तो आप अगली बार कोशिश करोगे ज़्यादा प्लान से मिस ना करें इस बार आधा हुआ अगली बार सेवेंटी फाइव परसेंट अचीव करोगे और ओवरऑल जो प्लान आपने रखा है कि यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना था ज़्यादा से ज़्यादा सात दिन और लग जाएंगे लेकिन वो कंप्लीट होगा लेकिन आप दिशाहीन पढ़ते जा रहे हो कभी टेस्ट दे दिया कभी मॉक टेस्ट दे दिया कभी एम कर लिए ये तरीका सही नहीं है दूसरा मैंने बताया स्मार्ट स्टडी सोर्सेज हमेशा मिनिमम रखिए न्यूनतम रखिए और जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया उस पर भरोसा रखिए एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर आपको डाउट नहीं करना है हाँ अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट रह रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वहाँ से पढ़ के कोई दिक्कत नहीं है उस टॉपिक के लिए आप कोई दूसरा देख लीजिए गलत आपको कोई नहीं बताएगा देखिए सब चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए सपोर्ट करने के लिए जैसे अगर मैं आपको अपने वन एग्ज़ाम पे जो हमने कोर्स दिया बेसिकली हमने शुरुआत की थी मॉक टेस्ट और 5000 थाउजेंड थे क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था बीस एक दिन में एग्जाम हो जाएंगे जैसे लास्ट ईयर हुआ सॉरी 2018 एग्जाम में हुआ तो प्रैक्टिस के लिए हमने ये कोर्स रखा था 1000 का लेकिन जैसे टाइम मिला हमने इसमें क्या कर दिए नोट्स ऐड कर दिए फिर और लॉकडाउन हो गया टाइम बढ़ गया हमने इसमें लेक्चर्स ऐड कर दिए ठीक है लेक्चर्स हुए तो उसके क्लास नोट्स भी साथ में आ गए ये रिवीजन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे तो देखिए इतना सारा कंटेंट है ये सिर्फ हम लोग वन थाउजेंड के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं इसके बाद भी आपको इसमें सेटिस्फाइड नहीं है कुछ लोग सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनको पढ़ रहा पढ़ रहा थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो ये गलत बात है मतलब देखिए ये चीज़ें सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए है नोट्स देखिए किताबें आपके पास बीकॉम की बड़ी बड़ी पड़ी है उसमें सब कुछ है पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी लेंथी आप उसको पढ़ नहीं पाओगे तो नोट्स की ज़रूरत आती है कि कोई व्यक्ति जो आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को शॉर्ट करे तो वो शॉर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका एक दिमाग में व्यू पॉइंट होगा कि मैं इस, इस तरीके से ये ये पॉइंट ये ये चैप्टर इस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं तो वो हो सकता है आपके व्यू पॉइंट से आपकी थिंकिंग से थोड़ा अलग हो लेकिन कोई भी गलत नहीं देता है ये सोच के नहीं देता है कि ऐसे नोट्स दूं कि सबको फेल करवा दूं दूसरा लेक्चर्स हर फैकल्टी पढ़ाती है तो वो इसी थिंकिंग के साथ पढ़ाती है कि स्टूडेंट को समझ आए हालांकि लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए है ठीक है ताकि तो आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सके और आसान हो सके ठीक वैसे जो एम सी क्यूज दे रखे फाइव थाउजेंड तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए कि जो टाइम आपके पास सरप्लस है खाली समय है उसके अंदर बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आप ताकि क्या कर सको जब आपका पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अपना असेसमेंट कर पाओ इवेल्यूएशन कर पाओ तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए तैयार की गई है इनका आप भरपूर इस्तेमाल लीजिए जितना आप मैक्सिमम यूज़ ले सकते हो वो लीजिए ठीक है कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा आपको कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हालांकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तब इन चीज़ों को रियलाइज़ करोगे नेक्स्ट चीज़ टाइमली अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिए इवेल्यूएट कीजिए टाइमली मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके एम कीजिए लेकिन उनके लिए आपको एकदम ऑफसेस्ट नहीं होना है बिल्कुल एक एम सी के लिए दीवानगी होती है वो आपको ऐसा नहीं रखना है कि एम जैसे कोई एक क्वेश्चन आया तो उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बिल्कुल दुनिया हिला देंगे और एक घंटे तक आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो लोगों को पूछ रहे हो देखिए एग्जाम में आप एक लाख क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे ना तो वहाँ एक लाख एकवा क्वेश्चन आएगा नया क्वेश्चन ही मिलेगा आपको क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो हमेशा नया क्वेश्चन ही बनाता है तो वो सेम क्वेश्चन कोई और सोच भी नहीं सकता बात समझ रहे हो आप तो एम सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इनके प्रति अपश मत हो जाइए कि ये गलत हो गया तो क्यों हो गया या अगर किसी के आंसर में आपको डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल उसकी खोज के लिए घंटों लगा रहे हो लेकिन सही आंसर ढूंढ के लेके आ रहे हो ऐसा मत कीजिए आप अपने सौ क्वेश्चन दो सौ क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट कीजिए जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया कि ये हंड्रेड टू हंड्रेड क्वेश्चन मैं करता हूँ और देखता हूँ इसमें से मेरे कितने सही होते हैं जैसे आपने टू हंड्रेड क्वेश्चन किए आपके दो सौ में से एक सौ साठ एक सौ सत्तर क्वेश्चन सही हुए उसमें से बाकी जो तीस चालीस क्वेश्चन गलत हुए उसमें से दस पंद्रह ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको पता चल गया हाँ यार ये गलती हो गई दस क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आएगा आपको लगेगा मेरा उस... सही आंसर लेकिन ऑप्शन कुछ और सही होगा तो उनको आपको कंफर्म करना है अगर आपके पास खाली समय है तो आप उनको कंफर्म कीजिए अदरवाइज़ उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है उसकी बजाय मेरा ये मानना है आपको लगता है आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए आप एक बार रिविज़न में टाइम दीजिए वापस क्विकली उस सब्जेक्ट को वापस से क्या कीजिए रिवाइज़ कीजिए तो अगली बार 160 की बजाय 180 सही होंगे दूसरा मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट भी आपको तभी देना है जब आपके सारे सब्जेक्ट क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए अब मॉक टेस्ट के अंदर देखिए मैं इसमें एक और डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा देखिए जो टेस्ट और ये एम जो डाले हैं ये सारे बनाने वाले हम लोग ह्यूम हैं मशीन्स नहीं है तो ह्यूमन की हमेशा एक लिमिटेशन होती है कि जहाँ भी मानव शक्ति होती है वहाँ पे एरर्स की संभावना होती ही होती है और जब क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं ना तो एक उसका फिक्स फॉर्मेट होता है कि आपको यहाँ ऑप्शन देना पड़ता है या करेक्ट इनकरेक्ट लिखना पड़ता है फिर ए बी सी डी इस तरीके से फिर सॉल्यूशन देना पड़ता है तो इस सब के दौरान कई बार क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन में तो करेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है लेकिन ऑप्शन में कोई गलत मिस हो गया तो वहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है तो आप उसको क्लिक कर दीजिए तुरंत हम लोग उसको क्या कर लेंगे अगर कोई टाइपिंग या फॉर्मेटिंग में एरर है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा उसके अलावा अगर पाँच हज़ार क्वेश्चन दिए हैं तो एक परसेंट ये भी चांसेस है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी टाइपिंग के दौरान अनजाने में गलत हो गए होंगे तो आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन के बिना मेरा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा अगर गलत लगता है तो पहली चीज़ तो उसको अवॉइड कीजिए छोड़िए पाँच हज़ार पढ़े आप दूसरे कर सकते हो उतना टाइम आपके पास नहीं है फिर भी आपको लगता है कि ज़रूरी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो आप सिंपली उसका स्क्रीन लेके हमें चैट के ऊपर शेयर कर दीजिए फैकल्टी जब भी देखेगी उसको रिजॉल्व ज़रूर करेगी टाइम लगता है देखिए डेली के 2000 प्लस मैंने एवरेज बता रहा हूँ 2000 प्लस चैट के अंदर अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आती है अलग अलग इश्यूज़ आते हैं सबको जवाब देते हैं कई बार चैट में नीचे रह जाती है चीज़ें नहीं दिखती जब वो दोबारा तीसरी बार रिप्लाई वापस पूछते हैं क्वेश्चन मार्क भेजते हैं तब देखते हैं लेकिन ज़रूर देते हैं क्वेश्चन नाइन्टी परसेंट केसेस के अंदर रिप्लाई देते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है देखिए कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की, की है मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जीवन में अगर आप कभी नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे कि फेल होना भी एक ऑप्शन है फेल भी हो सकते हैं अगर ये दिमाग से थिंकिंग ही हटा दोगे ना तो आपके सारे काम अपने आप बन जाएंगे यकीन मानिए जीवन में आजमाया हुआ फार्मूला है मैं खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का कि कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ भी कर सकते हो एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है आप लाइफ के अंदर किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो फ़र्क सिर्फ मैंटेलिटी का होता है देखिए तैयारी मिस्टर ए है वो भी उतनी कर रहे हैं मिस्टर बी भी उतनी कर रहे हैं सी भी कर रहे हैं ए पास हो रहा है बी और सी फेल हो रहे हैं क्या कारण है या तो बी और सी ने गलत पढ़ा ये हो नहीं सकता किताबें तो सब सही बताती है गलत नहीं बताती है ए और बी की अप्रोच गलत होगी सॉरी बी और सी की अप्रोच गलत होगी कितनी भी गलत होगी लेकिन पढ़ा तो इन्होंने भी है ना? तो गलत कैसे हो गए देखिए इन सब के अलावा ए के पास एक चीज़ एक्स्ट्रा थी वो क्या था पॉजिटिव एटीट्यूड कॉन्फिडेंस जब वो एग्जाम हॉल में जा रहा था ना तो उसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि जितना सेलेबस दिया है मेरी तरफ़ से मैंने उसको हंड्रेड परसेंट कर दिया प्लस उसको रिवाइज भी कर लिया एग्ज़ाम से पहले अब जो होगा देखा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर ये जब इस थिंकिंग के साथ जाएगा ना तो एग्ज़ाम के अंदर जब ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन सामने रिफ्लेक्ट होगा आपके पास चालीस सेकेंड है उसको अटेंड करने के लिए तो आपका दिमाग अपने आप में सही सोचेगा सही तरीके से जाएगा मान लो पहला क्वेश्चन नहीं आया दूसरा नहीं आया तीसरा नहीं आया फिर भी आपको बर्डन नहीं होगा दिमाग में लोड नहीं होगा पांचवा क्वेश्चन आप सही करने लग जाओगे चलो पाँच चार क्वेश्चन चलो हार्ड होंगे सबके लिए होंगे लेकिन नेगेटिव होते ही आपका दिमाग क्या कहेगा कि यार चार गलत हो गए कुछ आता ही नहीं है फिर पाँचवें में भी आप ज़्यादा टाइम लगाओगे या इन चार के अंदर ही अटक के रह जाओगे यार ये आ क्यों नहीं रहा है एक मिनट हो गए दो मिनट हो गए बस उसको ही सोच रहे हो तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जब भी एम या मॉक टेस्ट भी करते हो अगर कोई क्वेश्चन में इश्यू है तो उसको अवॉइड करना सीखें हर क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नहीं लाए जा सकते ठीक है आपको सिर्फ सक्सेस के लिए सिक्सटी परसेंट लेके आने तो आप मॉक टेस्ट के अंदर भी ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको हंड्रेड के हंड्रेड आने चाहिए कुछ क्वेश्चन में इश्यू रहेंगे ठीक है चलिए ये कुछ बातें थी मुझे लगा आप, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है नेक्स्ट एक ऐप के अंदर जो चैट का टाइमिंग है वो हमने फिक्स कर दिया सॉरी टेन टू सिक्स इससे ज़्यादा हम लोग भी अवेलेबल नहीं रह पाते इस दौरान फैकल्टीज अवेलेबल होगी आप जो भी इसके बाद भी आप शेयर कर सकते हो लेकिन आप फिर उम्मीद मत कीजिए कि तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा आपको रिप्लाई मिलेगा नेक्स्ट डे मिल जाएगा ठीक है दूसरा कोर्स को लेके जो भी इश्यूज़ है प्लीज़ आपका कोर्स जो है उसमें एक ट्यूटोरियल वीडियो दे रखा है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं एम कैसे सॉल्व करने हैं लैपटॉप में कैसे खोलना है वीडियो क्यों नहीं चल रहे हैं जो भी इश्यू है ना उसको एक एक को वापस समझाना संभव नहीं है इसलिए आप अगर अपने कोर्स के अंदर जाओगे मान लो ये जूनियर अकाउंटेंट कोर्स है इस कोर्स के जब आप कंटेंट्स में जाओगे तो ये देखिए दूसरे नंबर पे ये क्या दे रखा है ट्यूटोरियल वीडियो कोर्स से संबंधित सारी जानकारी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी ठीक है चलिए तो आप इसको जरूर देखें अगर किसी को भी कोर्स परचेज कर रखा है उसमें इश्यूज़ है तो नोट्स की डाउनलोडिंग अब अवेलेबल है देखिए ये बेसिकली ऑनलाइन कोर्स है और हमने उतना ही चार्ज किया है वन थाउजेंड मेरे हिसाब से इससे नॉमिनल कोर्स में कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता लेकिन क्योंकि हमने पहले मॉक टेस्ट और इसके लिए ये प्राइस कर दी थी तो लेक्चर और सारी चीज़ें हमने ऐड की लेकिन प्राइजेज इंक्रीज़ नहीं की और उसी के अंदर हमने ये ऑनलाइन कोर्स था फिर भी ये डाउनलोड के लिए अब दे दिए हैं सारे नेक्स्ट पार्ट बी की टेस्ट सीरीज़ और पार्ट ए की सिर्फ टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है अगर आपने अभी भी परचेज नहीं किए आप डेफिनेटली परचेज कीजिए सिर्फ 199 के अंदर ही अवेलेबल है लेकिन इतना श्योर है कि पर्टिकुलर रीजनिंग मैथ्स हिंदी और इंग्लिश इसके लिए आपको जितने आई की वेराइटी है वो सारी वेरायटी मिल जाएगी ठीक है दूसरा जो करंट अफेयर्स है मैक्सिमम हमने कवर किए हैं इसके अंदर जीके के अंदर जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो उसमें जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए हैं ये टेस्ट सीरीज जो है देखिए इसके अंदर जीके के क्वेश्चन क्योंकि राजस्थान के मैक्सिमम हिंदी में अवेलेबल हैं तो जीके के हमने सारे क्वेश्चन हिंदी में ही दिए हैं मतलब तो 48 एट तो सीधे सीधे हिंदी में हैं उसके अलावा आठ क्वेश्चन इंग्लिश के जो इंग्लिश में ही होंगे प्लस आठ क्वेश्चन हिंदी के जो हिंदी में ही होंगे बच्चे कौन से आठ रीजनिंग के और आठ मैथ्स के क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो खेल अंकों का खेल है तो ये इंग्लिश में है तो भी मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो ये टेस्ट सीरीज़ को दोनों लोग परचेज़ कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश हालांकि जो फर्स्ट टेस्ट है ना जो फ्री अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए उसमें जीके इंग्लिश में है पहले टेस्ट में लेकिन बाद में इंग्लिश में क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे जीके के के राजस्थान के तो हमने सारे हिंदी में कर दिए तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है टेस्ट सीरीज़ ओके मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करेगा देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये एग्ज़ाम है ना उसके अंदर आपको खुद को ही बैठना है एग्ज़ाम को आपको ही फेस करना है तो जितने भी कोचिंग है चाहे कोई बुक्स हैं चाहे कोई टीचर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं एक हद तक उसके बियॉन्ड आपको खुद को ही दिमाग के अंदर सोच के चलना है खुद को ही प्लान करना है कि मुझे पहले क्या पढ़ना है क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा तो वो हमेशा अपनी सोच बताएगा अगर मैं भी बता रहा हूँ तो मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं होता तो क्या करता हो सकता है ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो या इसका मॉडिफाइड वर्ज़न आपके लिए एप्लीकेबल हो तो आपको खुद को हमेशा प्लान करके चलना है और दूसरा दिमाग में हमेशा मैच्योरिटी रखिए क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं आप ट्वेंटी प्लस एज के हैं तो अगर ये काम कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है कोई तीन सौ लोग जूनियर अकाउंटेंट क्रैक करेंगे कोई दस लोग ए ओ भी बनेंगे अगर वो लोग कर सकते हो तो आप भी उनके बराबर हो एज में आप भी कर सकते हो तेईस साल या पच्चीस साल एज होगी विराट कोहली की कितनी है या ऋषभ पंत की जो आपके बराबर है अपने बराबर एज के हैं वो अगर कर सकते हैं वैसा तो हमारे अंदर भी किसी दूसरे फील्ड के अंदर कुछ न कुछ तो काबिलियत है ज़रूरत है सिर्फ हमें हार्ड वर्क करने की ठीक है आपको अपनी पोटेंशियल को फुल पे ले जाना है अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ ही चलोगे कि यार मैं तो बिलो एवरेज हूँ या इस तरीके से सी ए वाले ज़्यादा दे रहे हैं या सी ए का स्टूडेंट हों मैं तो एकदम लेवल से पढूंगा ये बेसिक चीज़ें क्या पढ़नी ऐसा नहीं है देखिए एग्जाम हर एग्ज़ाम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है उस एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है पर्टिकुलर आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए तब तो आप इजीली सक्सेस पा सकोगे चलिए थैंक यू वेरी मच धन्यवाद देखने के लिए अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ज़रूर फॉलो करें वन एग्ज़ाम डॉट इन वहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित और दूसरी हमारी तरफ से जो भी फैकल्टी जानकारी साझा करती है वहाँ पे सारी अवेलेबल होगी थैंक यू वेरी मच